Okay, so regarding the separation techniques, we have done firstly evaporation. उसके बाद हमने डिस्कस की थी सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद डिस्टिलेशन. द डिस्टिलेशन टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर द टू, जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं हम उनके लिए डिस्टिलेशन की टेक्निक जो है वो एम्प्लॉय करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, और यू कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. सो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ दीज लिक्विड्स विच एक्चुअली डिजोल्व इन वन अनदर, विच एक्चुअली मिक्स विद वन अनदर. ठीक है, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं हम उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं? डिस्टिलेशन टेक्निक. ओके, बट दिस टेक्निक इट टेक्स इन टू अकाउंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जो दो लिक्विड हम लेते हैं ये टेक्निक उनके बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है. ठीक है, ये टेक्निक उनके बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है कि कौन सा लिक्विड जो है वो कितने टेम्परेचर पे क्या करता है, बॉइल करता है. ओके, राइट, बट वन मोर थिंग हियर, द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड्स, इट शुड बी मोर देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस. अगर आप दोनों का केल्विन में ले रहे हो तो केल्विन हो जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है. ओके, यहाँ पर एसीटोन का हो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस, तो सफिशिएंट डिफरेंस है, 25 से ज्यादा ही है ना. फिर हम दूसरा मेथड एम्प्लॉय करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. ठीक है, सिमिलरली अल्कोहल का 65 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. मिथाइल अल्कोहल ले रहे हैं हम 65. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे कि आप कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हो. अब इसका डायग्राम बना लो. अब ये प्रोसेस हमने करना कैसे है? So what we are going to do is we are going to take a distillation flask. ठीक है जी, हम एक distillation flask लेते हैं सबसे पहले. इसको round bottom flask भी कह देते हैं क्योंकि नीचे से गोल होती है. Okay, it is either kind round bottom flask या हम इनको कौन सी flask कह देते हैं? Distillation flask. ठीक है, ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं. ऑर्गेनिक हीटिंग को, ऑर्गेनिक लिक्विड्स को हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, तो मैंने इसको वाटर बाथ में रखना है. ठीक है, पानी के बीच में रखेंगे, जैसे जैसे पानी बॉयल होगा वैसे वैसे इसकी हीटिंग होगी, बिकॉज ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर देयर और उनको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं. ओके, ठीक है, इसके बीच में हमने अपना सॉल्यूशन ले लेना है, अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेट सपोज. ओके, लेट्स टेक द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. इसको मैंने इसके बीच में हमने डिप करना है थर्मामीटर.
थर्मामीटर क्यों डिप करना है? इन ऑर्डर टू सी द टेम्परेचर चेंज. ठीक है, टेम्परेचर चेंज देखने के लिए हमने इसके बीच में क्या लगाना है? थर्मामीटर लगाना. ओके, फर्दर दिस फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ कंडेंसर. इस फ्लास्क को मैंने आगे किसके साथ कनेक्ट किया है? कंडेंसर के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया हुआ. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंडेंसर? हम क्यों कंडेंसर यूज कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे दो मिक्सचर्स का सॉल्यूशन है. ठीक है, दो सॉल्यूशन का क्या है यहाँ पर? मिक्सचर है आपके पास. तो जैसे इफ आई एम टेकिंग अल्कोहल एंड वाटर, तो सबसे पहले कौन वेपर स्टेट में चेंज होगा? विच इज हैविंग एक्चुअली अ डिफरेंस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 65. तो अल्कोहल के वेपर्स बने, अल्कोहल के वेपर्स जो थे वो यहाँ पर जाने शुरू हो गए. ठीक है, अब इस कंडेंसर की एक इनलेट है और एक आउटलेट है. There is one inlet and one outlet for this condenser. Inlet से क्या आ रहा है? Cold water. Outlet बाहर क्या जा रहा है? Hot water. ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, यहां पर जो मेरे वेपर्स आए उनको मैंने ये बाहर पानी के साथ कॉन्टेक्ट में लाई. कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर ऑन टचिंग द हॉट वेपर्स, वो वेपर्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे. द वेपर्स दे विल कंडेंस. ठीक है, जब वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो वो किस स्टेट में चले जाएंगे? लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है, तो वो लिक्विड स्टेट में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे. और सिमिलरली यहाँ पर जो वाटर था, जो उसने उसकी हीट ले ली, तो जो कोल्ड वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा? हॉट वाटर में. हॉट वाटर में चेंज हो जाएगा ना, तो हॉट वाटर हमने यहाँ से क्या कर लेना है? बाहर निकाल लेना. ओके, तो यहाँ पर इनलेट आउटलेट जो है वो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? ताकि हमारे जो वेपर्स बन रहे हैं उनको इमिजिएटली हम क्या कर लें? ठंडा कर लें. सो दिस इज माय कंडेंसर, हियर द अल्कोहल विल बी कलेक्टेड और जो पानी है वो यहाँ पर रह जाएगा. ओके, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये हो गया थर्मोमीटर. कंडेंसर का क्या काम है? इन ऑर्डर टू डू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये क्या करेगा? आपके वेपर्स को कंडेंस कराएगा. ओके, इट विल ब्रिंग अबाउट द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स. राइट, समझ आ गया? ये डिस्टिलेशन का मेथड समझ आ गया. सो यू कैन राइट डाउन, इन ऑर्डर टू सेपरेट ईथर फ्रॉम टोलुइन, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हमने सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेने हैं, जैसे हो गया ईथर एंड टोलुइन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं. ईथर का आप लिख सकते हो 308 एंड दिस इज 384 केल्विन. राउंड बॉटम फ्लास्क किसके बीच में? दिस इज वाटर बाथ, दिस इज वाटर बाथ. ओके, यहां पर आपने स्टैंड्स बना लेने हैं. स्टैंड्स के साथ हमने इसको क्या किया हुआ है? होल्ड करवाया हुआ. ठीक है जी. ओके, क्लियर हो गया डिस्टिलेशन का मेथड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, तो मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स दे दी हैं कौन कौन से लिक्विड जो है हम वो सेपरेट कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. रब कर दूं बेटा ये? Yes, ma'am.
Now, what is the difference between distillation and fractional distillation method? If the boiling point of the two liquids is more than 25 Kelvin, we will be employing the distillation method. But agar wo boiling point ka difference jo hai wo 25 se kam hai. Okay, so if the difference in the boiling point is less than 25 Kelvin or 25 degrees Celsius, then we will be employing the method of fractional distillation. तो हम distillation नहीं use करेंगे, फिर हम क्या use करेंगे? Fractional distillation का method use करेंगे. Okay? यहाँ पर सिर्फ एक modification है. There is one modification in this method, and that is the use of condenser or glass beads. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कंडेंसर जो है वो हमने फिट किया हुआ है. कंडेंसर है, क्या काम करेगा बेटा? इंस्टेंटली जो आपके वेपर्स हैं उनको चेंज कर देगा. ठीक है, तो वही काम के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कंडेंसर यूज कर रहे हैं. क्योंकि देखो, अब आपके जो दो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है. एक लिक्विड बना, साथ में ही दो या चार डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस के साथ दूसरे के वेपर्स निकलने शुरू हो जाएंगे. तो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट देम? तो इसका मतलब हमें जो कंडेंसेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा वो भी तो फास्ट अप करना पड़ेगा. वी हैव टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द वन लिक्विड एज द अदर लिक्विड इट विल आल्सो गेट कंडेंस. ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, हम एक एक्स्ट्रा कंडेंसर फिट करते हैं. ठीक है, एंड दैट कंडेंसर इज एक्चुअली कंटेनिंग द ग्लास बीड्स. इसमें क्या होती हैं, ग्लास बीड्स होती हैं. ये ग्लास बीड्स क्या करेंगे बेटा, दे विल गिव मोर सरफेस एरिया टू दी वेपर्स. ठीक है, वेपर्स जो हैं वो जल्दी इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, और जो ग्लास के साथ, ग्लास बीड्स के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो जल्दी क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे. ओके, सो इन ग्लास बीड्स वाले टावर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड दिस एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं. और इसकी सरफेस के ऊपर, राइट, वी विल बी अटैचिंग अ थर्मोमीटर. डायग्राम आपने कर लेना बेटा. ठीक है, अब ये वाला जो इनलेट एंड आउटलेट वाला चैम्बर है ये सेम है, बट ये आगे किसके साथ अटैच होगा, यहां पर अटैच होगा. ओके, इट विल बी अटैच्ड हियर नाउ. ओके, अगेन यहाँ पे आपने एक इनलेट बनानी है और एक आउटलेट बनानी. ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बाकी सारा डायग्राम सेम है. ठीक है, बस इसमें हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाते हैं. उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है, दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास बीड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि वेपर्स को ज्यादा एरिया मिले. ठीक है, कंडेंस होने के लिए जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतनी जल्दी वो कंडेंस होंगे, और उतनी ही जल्दी जो है वो क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे. ओके, नाउ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन फॉर एयर. आप 8th क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल पढ़ के आए हो.
पढ़ के आए हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल पढ़ के आए हो, कुछ ऐसा डायग्राम था। याद आया? हाँ जी, डू यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? सो दिस इज, कौन सी डिस्टिलेशन? बेटा एट्थ में आप पढ़ के आते हो कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर में। He is right actually. लास्ट टाइम ये चैप्टर कट नहीं हुआ, आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। और राखी मैम ने, हाँ जी चलिए ओके ठीक है। पेट्रोलियम की रिफाइनरी या क्रूड ऑयल की रिफाइनरी हम करते हैं यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सिमिलरली इफ वी वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, एयर किस किस की बनी हुई है? आर्गन वाटर वेपर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो एयर के कंपोनेंट्स हैं यानी कि ये जो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, इन सबको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। वी विल बी सेपरेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ विच मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब हमने करना क्या है इस मेथड में, सी यू कैन राइट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द गैसेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस, एंड एट द लास्ट फॉर द ऑक्सीजन इट इज -183 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका है? ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होगा, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होगा, उससे पहले और सबसे पहले कौन सेपरेट होगा, ठीक है। तो हमने ऐसे इनको सेपरेट करना है। अब डायरेक्टली सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सेपरेट नहीं करते हैं हम इनको, इनके लिए कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करेंगे? सबसे पहले यू नो एयर इज इन द गैशियस स्टेट, एयर गैशियस स्टेट में है ना। हम तो डिस्टिलेशन का मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं? लिक्विड्स के लिए। तो यानी कि हमें गैस को लिक्विफाई करना पड़ेगा, हमें उस गैस को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिक्विफाई करना पड़ेगा। एंड हाउ वी विल बी एम्प्लॉइंग द लिक्विफिकेशन, कंप्रेसिंग बाय इंक्रीजिंग प्रेशर and decreasing, ठीक है जी। अब जब हमने उसको liquefy कर लिया, तो हमारी गैस जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी, liquefied form में, यानी कि लिक्विड में आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस लिक्विड को हीट करना शुरू करना है, यही कर रहे हैं ना हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, लिक्विड्स को क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं। सो वेन वी आर गोइंग टू हीट इट, ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे, तो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, दे विल बी सेपरेटेड एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स। सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब इसका डायग्राम है वो बना लो, लिक्विफिकेशन ऑफ और सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर का। So, सबसे पहले
हेयर वी विल बी टेकिंग द एयर, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लगाना है प्रेशर, राइट, ऑन दिस एयर वी विल बी एम्प्लॉइंग सम प्रेशर. So that is actually the separation of the components of the air. हाँ जी, क्या हम रिमूव कर दी? क्यों डस्ट क्यों रिमूव कर रहे हैं हम? जो इम्प्योरिटीज हैं बेटा वो अपने आप ही बाहर निकल जाएंगी. Okay, so यहां पर we will be employing the piston, जो इसके ऊपर क्या apply करेंगे, pressure apply करेंगे, ठीक है. So these are the pistons, right? After that it is passed through the condensers. अब हमने इसको condenser में से pass करवाना है बेटा. बेटा बना लो डायग्राम, देख रहे हो. So, इसमें आपकी हॉट एयर जाएगी, ठीक है. कंडेंसर का काम कर रहा है ये, यहां से वाटर आउट, एक तरफ इनलेट है और एक तरफ आउटलेट है. दिस इज द इनलेट वेयर वी आर गिविंग फ्रीजिंग कोल्ड वाटर. मतलब यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको पहले ठंडा कर रही हूँ ताकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लूं एज ड्राई आइस. समझ रहे हो? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी आउट एज ड्राई आइस. ओके, फिर यहां से जो कोल्ड एयर है, फ्रॉम हेयर द कोल्ड एयर इज एक्चुअली पास्ड इनटू द सेपरेटर. ओके, जहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाएगी, सेपरेटर में से एज ड्राई आइस, राइट, एंड फ्रॉम हेयर अगेन दैट इज एक्चुअली लिक्विफाइड, ठीक है. फिर जो आपकी लिक्विड एयर है उसको आगे हमने पास करवाना है, ठीक है. दैट एयर इज पास थ्रू दी, बोलिए बेटा. किधर बेटा? यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमने बाहर निकाल लिया ना. बाकी एयर जो है जिसमें नाइट्रोजन है, आर्गन है और ऑक्सीजन है, उसको हम अब ले गए हैं आगे. इन द एक्सपेंशन जेट वी आर गोइंग टू हीट इट, एक्सपेंड करेंगे, हीट करेंगे. हीट करने के बाद हमने इसको किसमें ले जाना है, वी विल बी शिफ्टिंग दिस टू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है. हीट करने के बाद हमने इसको कहां पर ले जाना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जहां से नाइट्रोजन पहले बार आ जाएगी, फिर आर्गन बाहर आ जाएगी. ओके, एंड एट द लास्ट यू विल बी लेफ्ट विद द
liquid oxygen. तो जो मैंने आपको वर्बली समझाया है वो सारा इस डायग्राम में है. हाँ, वाटर वेपर तो कंडेंस हो जाएंगे, जहां से मर्जी निकाल लो कंडेंसेशन करके उसको, यहां से भी कंडेंसर में से भी निकल जाएंगे वहीं से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. तो जो मैंने अभी आपको बताया है, एयर है, पहले उसको लिक्विफाई करेंगे पिस्टन्स की हेल्प से, फिर वो आगे जाएगी, उसको कंडेंस कर लेना है. पहले ठंडा कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, फिर उसको हीट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी गैसेस हैं दे विल बी कलेक्टेड एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स. लिक्विफाइड फॉर्म में है ना, वो नहीं होगी. हाँ, आप किसी चीज में डाल सकते हो उसको, उसके थ्रू आप ले सकते हो. ठीक है, एमसीक्यू में डायग्राम नहीं आएंगे, बट डायग्राम जो है वो आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है. ठीक है, कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं. अगर आपको पूछ लेते हैं कि पिस्टन क्यों यूज कर रहे हैं हम इस पार्ट में, तो आप बता सकते हो ना कि पिस्टन का फंक्शन क्या है. Why we are using the separator here to separate the carbon dioxide as dry ice? Fractionating column का क्या use है? यहाँ से जो आपके liquids हैं वो क्या करेंगे? They will be boiling at different different heights and they will be collected at different different heights. हाँ, आपको labeling आ सकती है. Diagram draw करने नहीं आएंगे, but labeling तो आ सकती है ना. Done. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असाइनमेंट मिली हुई है आपको, आपने करके भेजनी है. वो ग्रुप में भेजी है मैंने. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट. आर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? So if you enlist the physical and the chemical changes, तो ये आप lower classes में से भी पढ़ के आते हो. That what do you mean by physical? Physical changes में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती है यहाँ पर, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है. इट इज रिवर्सिबल, टेम्पररी. ओके, only physical properties change. There is no actual chemical reaction. ओके, सो दूसरी साइड आप खुद पॉइंट्स लिख सकते हो. एग्जांपल्स दे जाओ. मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड. ठीक है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग. वुड ही रहती है बेटा. वुड तो है ना, वुड.